हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल पावर्ड बाय एसटीएस थिंकर इंडिया। दोस्तों, आज आपके साथ एक हम एक सॉफ्टवेयर के रिलेटेड और केटेक और केस के रिलेटेड दो बातें करेंगे, ठीक है। ऐसा तो इतना इम्पोर्टेंट वीडियो तो है नहीं, फिर भी थोड़ा हमने उसके पीछे एक्स्ट्रा दिमाग भगा के हमने ये काम किया है, ठीक है। और रही बात, इससे कोई काम में आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कोई आपको एक्स्ट्रा तो मुझे नहीं लगता, फिर भी एक अपडेट आप सब के लिए जो भाई केटेक यूज कर रहे हैं और केस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास, मान के चलो मेरे पास केटेक भी है और केस भी है, दोनों केटेक और केस दोनों एक ही सॉफ्टवेयर से कैसे आपको चलाना है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में दोनों सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर में कंबाइन कैसा करना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर केस भी चलेगा और केटेक भी चलेगा, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं जो अपना केस है, ठीक है, केस V2, अभी मैं केस V2 अभी लगा देता हूँ, ठीक है। केस हमने लगा दिया है, देख सकते हैं इसके अंदर लाइट जल रहा है। अभी मैं केटेक का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। अब देखो, ये केटेक का सॉफ्टवेयर है, अभी मैं केटेक का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। हालांकि केस का सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहिए था, तो अभी मैं केटेक का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। हमने दोनों सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंबाइन कर दिया है, तो टेस्टिंग है, ओके है, चलेगा ऐसा, ठीक है। देखो, अभी हमने केस लगाया है, तो इसके अंदर आया केस। जो आप प्रोग्रामर इसके अंदर लगाएंगे वही आपका ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अभी मैं केस लगाया हूँ, केस खुल गया, देख सकते हैं सारे के सारे प्रोटोकॉल ओपन है, ठीक है, ये हो गया। और देखो, इधर केस, इधर केटेक, ठीक है। अभी केटेक का बंद पड़ा है, कोई प्रोटोकॉल ओपन नहीं हुआ है। जैसे आप यही सॉफ्टवेयर के अंदर केटेक लगाएंगे तो ये प्रोटोकॉल ओपन हो जाएंगे, ये प्रोटोकॉल आपके क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। आपको प्रोटोकॉल में दिखाता हूँ, देखो प्रोटोकॉल ओबीडी में आपको ये सब ओपन हुए हैं, ठीक है, ये सब ओपन हुए हैं प्रोटोकॉल में। और आपका प्रोटोकॉल जो नीचे रहते हैं, जो केटेक में हम काम करते हैं, ये सब देख सकते हैं, ये बंद पड़े हैं, ठीक है, ये सब बंद पड़े हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। ये मेरा सॉफ्टवेयर है केटेक का, अभी मैं केटेक लगाता हूँ। देखो इधर, अभी जो मेरा केस है, केस को निकाल दिया, इसको साइड में रखता हूँ, और जो मेरा केटेक है, केटेक को लगाता हूँ, और पावर सप्लाई सारा कुछ आ गई है। अभी देखो, अभी केटेक का सॉफ्टवेयर में ओपन किया, जैसे मैं केटेक लगाया तो ऑटोमेटिक केटेक का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। केस का लगाऊंगा तो केस का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, केटेक लगाऊंगा तो केटेक का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो केटेक हार्डवेयर के अंदर जो रहता है वो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। देखो, अभी इसके अंदर लिख के आ गया केटेक। कार में जाऊंगा, केस में पहले मेरा था, अभी केटेक है तो केटेक सेलेक्ट करूंगा। केटेक में देख सकते हैं आपको ये सब प्रोटोकॉल ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और यही मेरा बोलने का मतलब था, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप कंबाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं केस का जो रहता है वो फैमिली बंद पड़ा है, कोई चालू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है। और इसका जो सॉफ्टवेयर का मेमोरी रहती है वो रहती है आपकी 6 GB, देख सकते हैं 6 समथिंग 7 GB के ऊपर नीचे है। तो हमने दोनों सॉफ्टवेयर को एक में सॉफ्टवेयर में हमने कंबाइन कर दिया है। तो कभी कभी क्या होता है, दो सॉफ्टवेयर अलग अलग रखने पड़ते हैं, केस का और केटेक का। जब केटेक से काम कर रहे हैं तो केटेक को ओपन करना रहता है, जब केस से काम कर रहे हैं तो केस ओपन करना रहता है। तो हमने क्या किया है, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप दोनों काम कर सकते हैं, यानी दो हार्डवेयर आपके पास होना चाहिए, केटेक और केस दोनों आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, तब जाके आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ क्योंकि अभी मैं केटेक लगाया हूँ, और एक दोबारा मैं केस लगा के आपको बताता हूँ। इधर लिख के आ रहा है केटेक, ठीक है। जैसे हम कार में जाएंगे तो केस का सॉफ्टवेयर का जितना भी प्रोटोकॉल है सारा बंद पड़ा है, केटेक का ओपन पड़ा है क्योंकि केटेक लगाया हूँ। और अभी देखो, बंद करता हूँ, अभी मैं केस लगाया, लाइट आ गया। अभी ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करूंगा।
देख सकते हैं इसमें क्या लिख किया गया, केस वी टू ठीक है। अभी जैसे हम कार में जाएंगे देख सकते हैं जो कि केस का जो सॉफ्टवेयर था वो पूरा ओपन हो चुका है, केटेक का बंद हो चुका है ठीक है। यानी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों आप काम कर सकते हैं, और किसी भी भाई को ये सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए तो भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देने से अच्छा ये कैसे करते हैं उसके बारे में एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, दोनों सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे मर्ज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है दोस्तों। और कोई भी भाई को ऐसा करके देना है तो एक भाई ठीक है, कोई भी एक भाई को मैं करके दूंगा, करके देने के बाद एक उनके ही एनिडिस के थ्रू एक वीडियो बना के इस चैनल में मैं डाल दूंगा ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, और हमारा जितना भी सेगमेंट है थिंक कार का सारा प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। थिंक कार का मास्टर हो, थिंक टूल का मास्टर हो, लाइट हो, जितना भी आपको चाहिए रहता है वो हमारे पास सब अवेलेबल रहता है। और KTM हो गया, KT200 हो गया, KTAG हो गया, KS हो गया, रेड यूपी हो गया, ब्लैक यूपी हो गया, VVDI प्रो हो गया, जितना भी आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड, डायग्नोस्टिक रिलेटेड जो भी आपको चाहिए रहता है वो हमारे पास आपको देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छी प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी में ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।